अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो तजमतुल कुरान के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इनके बारे में बताऊंगी। उसके अलावा आयत और हदीस जो भी होंगी आपके इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बताऊंगी कि ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपने लाजमी याद करना है ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छा और इसमें मार्क्स आपके कम कटे। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ गए। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको जितने भी आपके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपको गिवन है, इनको आपने लाजमी याद करना है ताकि आपका पेपर अच्छा हो और इंशाल्लाह 90-95% आपका पेपर इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। सो यहाँ पे आगे हमारे पास मैं कुछ क्वेश्चन आपके रीड आउट करूँगी और कुछ जो है बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप देखते जाइएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आगे सूरत अंबिया का खुलासा क्या है, उसके अलावा सूरह मरियम को ये नाम क्यों दिया गया है, हिजरत हबशा का सबब क्या था, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आगे सूरह नमल का खुलासा क्या है, सूरत कसस का अहम इल्मी और अमली नकात में से कोई से दो तहरीर करें। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया सूरत सजदा के अहम इल्मी और अमली नकात कोई से दो तहरीर करें, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया सूरत सियार में अहम इल्मी और अमली नकात तहरीर करें, उसके अलावा ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सूरत से क्या खुलासा लिखे, और सूरत यासिन का खुलासा भी आ सकता है आपका, सूरत यासिन का ये नाम क्यों रखा गया है, उसके अलावा सूरत फातिर का ये नाम क्यों रखा गया है, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया हिबशा की पहले हिजरत कब हुई और वालदैन के साथ नेक सलूक करने की क्या अहमियत है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अलावा ये आपका लाजमी आएगा इंशाल्लाह। और नजाशी का तारुफ दो जुमलों में बयान करें, या नजाशी के दरबार में हजरत जाफर ने क्या कहा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशार के बारे में क्या फरमाया, मुशरकीन मक्का के मकी जातियों का निशाना कौन कौन थे, उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम में कबूलियत की वजह क्या थी। और नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया कि सूरत में को कुरान मजीद का दिल करार दिया गया है, कुरान मजीद की कौन सी सूरत बहुत फजीलत वाली है, उसके अलावा क्यामत के दिन कौन लोग अपनी गुमराही का इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाएंगे। और नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया कुरान मजीद जालिमों के कैसे डराता है और नेको कारों को कैसे खुशखबरी देता है, उसके अलावा कौम आद के बारे में मुतसर बयान करें। सो स्टूडेंट्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हमारे पास कुरानी अल्फाज मायने आ गए। अल्फाज मायने को याद करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आपका मतलब जो वर्ड्स मीनिंग गिवन होते हैं, जैसे कि मतलब आप जो जैसे सूरत के आयात के जो तर्जमे कर रहे होते हैं तो उनके छोटे छोटे अल्फाज के साथ साथ वर्ड्स मीनिंग याद करते जाएगा। उसके अलावा जब फ्रेंड्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो आप कोशिश किया जाए कि कन्वर्सेशन में भी अरेबिक अगर वर्ड्स आप यूज़ करें तो आपके लिए वर्ड्स मीनिंग याद करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये तमाम जो आपकी आयात कुरानी आयात गिवन है जो कि आपको दिखाई जा रही हैं, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आयात है, इनको मैं रीड आउट नहीं करूँगी लेकिन आप ये साथ साथ ऐसे स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं, इनको देख लीजिएगा। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आयात है और इनकी आपने लाजमी तैयारी करनी है, इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो इन्हीं आयात में से आएगा इंशाल्लाह। सो इनकी लाजमी तैयारी कीजिएगा इन आयात की। नेक्स्ट हमारे पास आ गया आपके लॉन्ग क्वेश्चन, मंदरजा ज़ैल इंशाई सवाल तैयार करें, और उसके अलावा हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है उसमें सूरत आहा का तारुफ और मजामीन तहरीर करें, ये भी आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सूरत अंबिया ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सो जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपके तमाम जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको गिवन है ये तमाम आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको लाजमी आप याद कीजिएगा, जिसमें आपका सूरत आहा का तारुफ और मजामीन, सूरत अंबिया की एक मुफसल मजमून, उसके अलावा सूरत फुरकान के बारे में आपका आ सकता है, सूरत सजदा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लाजमी कीजिएगा, सूरत सिर्फ सूरत यासिन, ये आपके वो सूरत मतलब ये आपके वो क्वेश्चन है जिन पे टिक किया है जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनकी तैयारी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।